सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। जयपुर के थिएटर से बॉलीवुड और साथ ही हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। वो 53 साल के थे। उन्हें तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंबे समय तक कैंसर से लड़ रहे इरफान पिछले साल ही लंदन से इलाज करवा कर लौटे थे। मंगलवार को उन्हें कोलन इन्फेक्शन हो गया और जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। बता दें आप सभी को, डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था और दुनिया भर से उनके फैंस उनकी खैरियत की दुआएं कर रहे थे। इरफान निधन से ये जंग जीत कर भी घर लौटेंगे, ऐसी आरजू उनकी माँ की भी थी। शनिवार को निधन से पहले उनकी माँ ने यही अंतिम आरजू जाहिर की थी। इरफान की माँ सैयदा बेगम का रमज़ान के पहले दिन यानी कि शनिवार को इंतकाल हो गया था। लॉकडाउन के चलते इरफान अपनी माँ के इंतकाल के बावजूद मुंबई से जयपुर नहीं आ सके थे, लेकिन माँ अंतिम सांस तक अपने लाडले की सलामती की दुआ मांगती रही। इरफान के भाई सलमान ने बताया कि 95 साल की माँ की अंतिम इच्छा थी कि इरफान भाई जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें। जानकारी दे दें आपको, इरफान ने शनिवार को मुंबई में रहते हुए वीडियो कॉल के जरिए ही अपनी माँ के अंतिम दर्शन किए थे। साल 2018 में पहली बार इरफान को ब्रेन कैंसर का पता चला था। इसके बाद करीब एक साल उन्होंने विदेश में ही इलाज कराया और पिछले साल ही वापस भारत लौटे थे। उन्हें न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई थी और इससे उबरकर उन्होंने फिल्म अंग्रेजी मीडियम के जरिए कमबैक भी किया। हालांकि उनकी ये फिल्म कोरोना वायरस के चलते ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल इंटरनेट न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।